कब से यहाँ पर फंसे हैं आप? सुबह से आए। आपको शहर के सुबह से आए हैं। इलाज कराने के लिए आए थे आप? क्या नाम आपको? नाम आप उत्तरकाशी से? उत्तरकाशी से आए इलाज कराने के लिए रखे? तो आप ये गेट नहीं खोल रहे बच्चे? ये गेट नहीं खोल रहे? आपने इनको कहा? हमारी मांगे पूरी करो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, काम इनके छोटे छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, काम इनके छोटे छोटे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ना बिजली है ना पानी है, परेशानी ही परेशानी है, ना बिजली है ना पानी है, परेशानी ही परेशानी है, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बंद करो ये अत्याचार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बंद करो ये अत्याचार, आपको दवाई लेनी है? अंदर ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ जी, क्या कर रहे हैं अंदर? कैसे घुसे? कहाँ से आप? सरा से। दो बिजली दो, हॉस्टल में ना पानी आ रहा है ना बिजली आ रहा है, 3 महीने हो गए, बच्चे रोज चक्कर काट रहे ऑफिस के। कौन से हॉस्टल की बात कर रहे हैं? ये सुकन्या छात्रावास गुरुकुल कैंपस का ही है, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का, और 3 महीने से हम लोग इसी चीज के लिए राउंड लगा रहे हैं कॉलेज में, लेकिन कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे वहाँ आरओ लगा है, उस आरओ की लाइट जलती है, हमेशा रेड लाइट लेती है, अब वो आरओ चलता है कि नहीं चलता है ये भी नहीं पता किसी को, उसमें वैसे ही गंदा पानी आ रहा है। परसों एक आरओ वाला आया था, उसने खुद बताया कि उसका फिल्टर भी खराब है और बच्चे वही गंदा पानी पी रहे हैं, जबकि आजकल रेत का पानी आ रहा है। इसके अलावा इसके वजह से टाइफाइड भी हो रहा है बच्चों को, बच्चे बाहर एडमिट हो रहे हैं, आज मतलब 10 बच्चे एडमिट हो चुके हैं और उनको देखने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई टीचर आया ना कोई कॉलेज से स्टाफ आया, बस बच्चे रात को 12-12 बजे खुद से ऑटो करके जा रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और इतना महंगा है हॉस्पिटल, आज भी अपना खुद का हॉस्पिटल इतना कैपेबल नहीं है कि उनको एडमिट किया जा सके। कॉलेज प्रशासन को क्या इसकी सूचना दी गई है? कॉलेज प्रशासन को पता है इसके बारे में, हर एक इंसान को पता है, प्रिंसिपल को पता है, वार्डन को पता है, लेकिन कोई भी कभी भी बच्चों को देखने के लिए नहीं आ रहा है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा बच्चों की तरफ को। आज जब हमने स्ट्राइक करी है तब थोड़ा उन्होंने सोचा कि हाँ 30 तारीख तक हम ऐसा कर देंगे, 5 तारीख तक हम ऐसा कर देंगे, लेकिन हमेशा हर एक चीज के लिए वो ऐसे ही टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते रहते हैं। कोई हम पहले से, हम इससे पहले इतनी एप्लीकेशन दे सके, हम आपको 100 से ज्यादा एप्लीकेशन दे चुके हैं इस चीज से रिलेटेड। जो आपने हड़ताल की है उसको लेकर अल्टीमेटम दिया उनको? नहीं, अल्टीमेटम हम क्या दे, हम इतना परेशान हो चुके थे कि अचानक से ही आए बच्चे, तो 3 महीने से सोचिए आप, 3 महीने से बच्चे राउंड लगा रहे किसी भी कॉलेज के और उसका कोई सुन नहीं रहे, तो ऑब्वियसली वो बच्चा जाके वहाँ पे स्ट्राइक ही करेगा जब कोई नहीं सुन रहा है, और इतना परेशान, आप खुद सोचिए कि वो डॉक्टर यहाँ आ गया, फिर कोई भी मेडिकल